नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। ईद पर कश्मीर में फहराए आईएस और पाकिस्तानी झंडे। कश्मीर में शुक्रवार को ईद की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान, लश्करे तैयबा और आईएसआईएस के झंडे फहराए। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके। झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। उल्लेखनीय है कि कश्मीर में प्रदर्शनकारी आए दिन पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे फहराते रहते हैं। आयकर विभाग ने कोलकाता में जब्त किए 50 करोड़ रुपए। आयकर विभाग ने लॉटरी और हवाला डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोलकाता और आसपास के इलाकों में छापे मारकर गुरुवार को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी जब्त की। यह रकम 16 बोरियों, 27 बैगों और 2 अलमारियों में भरकर रखी गई थी। दाऊद इब्राहिम गिरोह को गैर कानूनी तरीके से धन पहुंचाने के संदेह के आधार पर ही छापे मारे गए। सूत्रों ने बताया कि विभाग ने हवाला के जरिए धन दुबई भेजे जाने से कुछ ही देर पहले जब्त किया। कहा जा रहा है कि इस रैकेट के तार तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। ईद पर भाजपा विधायक की मुस्लिमों को सलाह। इंदौर की भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने ईद पर मुस्लिमों को बकरे की सांकेतिक कुर्बानी की सलाह दी है। उषा के इस बयान पर बवाल मच गया है। विधायक ने कहा कि वे हमेशा से कुर्बानी के खिलाफ हैं और शुद्ध सात्विक जिंदगी जीती हैं। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति किसी को बना नहीं सकता तो उसे किसी भी जानवर की हत्या करने का कोई भी हक नहीं है। विधायक ने कहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी सभी गरबा पंडालों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अन्य धर्म के युवा प्रवेश न कर पाएं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।